एयरप्लेन्स स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते? यह क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। दोस्तों, कमर्शियल एयरप्लेन्स की उड़ान 31,000 से 35,000 फीट तक होती है, चाहे वह छोटा सा सेसना हो या फिर 320 जैसा बड़ा विमान। लगभग सभी कमर्शियल एयरप्लेन्स इसी रेंज में उड़ते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों एयरप्लेन्स ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, या फिर क्यों हम एयरप्लेन से स्पेस में नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से स्पेस व्हीकल्स हैं जो कि पूरी तरह स्पेस में उड़ने के लिए सक्षम हैं। तो आखिर क्यों कमर्शियल एयरप्लेन्स नहीं उड़ सकते, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। नासा के मुताबिक लिफ्ट के कारण ही एयरप्लेन्स उड़ान भर पाते हैं। एक एयरप्लेन का हर हिस्सा कुछ न कुछ डिग्री लिफ्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे ज्यादा एयरप्लेन का पंख लिफ्ट को प्रोड्यूस करने में जिम्मेदार होता है। एयरप्लेन्स के पंख कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि पंखों के ऊपर हवा तेजी से जाए और पंखों के नीचे धीरे से। हवा की गति में बारीकियों की वजह से प्रेशर में अंतर हो जाता है जो एयरप्लेन को लिफ्ट करता है, जिससे एयरप्लेन उड़ान भर पाता है। मेन कारण जिसकी वजह से एयरप्लेन स्पेस में नहीं उड़ सकता है वह है वहां पर हवा की मौजूदगी का ना होना। दोस्तों, नासा के अनुसार बड़े कमर्शियल एयरप्लेन्स आमतौर पर 7.5 मील से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, क्योंकि इतने ऊंचाई पर एयरप्लेन को संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं है। लेकिन कुछ हद तक लिफ्ट प्रोड्यूस होगी, पर वह एयरप्लेन को नीचे गिरने से नहीं रोक पाएगी। जाहिर है कि स्पेस में हवा नहीं है, इसलिए बिना हवा के ना तो बड़ा एयरप्लेन उड़ सकता है और ना ही छोटा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह फैक्ट, कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह पहले से मालूम था तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचित तथ्यों के साथ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।